हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राशि के अनुसार आप किस प्रकार किसी भी व्यक्ति का स्वभाव जानेंगे। राशि चक्र की सबसे पहली राशि मेष है, जिसके स्वामी मंगल हैं। मेष राशि वाले बहुत ही आकर्षक होते हैं। इनका स्वभाव कुछ रूखा हो सकता है, दिखने में सुंदर होते हैं। ये लोग किसी के दबाव में कार्य करना पसंद नहीं करते। इनका चरित्र साफ सुथरा एवं आदर्शवादी होता है। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी होते हैं ये। समाज में इनका वर्चस्व होता है और इसके साथ ही इन्हें मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं तथा जिस कार्य को हाथ में ले लिया उसको पूरा किए बिना कभी भी पीछे नहीं हटते। स्वभाव कभी कभी विरक्ति का भी रहता है। लालच करना इस राशि के लोगों के स्वभाव में नहीं होता। दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है इन्हें। कल्पना शक्ति की प्रबलता रहती है। सोचते बहुत ही ज़्यादा हैं ये लोग। जैसा खुद का स्वभाव है वैसे ही स्वभाव की अपेक्षा ये दूसरे लोगों से करते हैं। इस कारणवश कई बार धोखा भी खाते हैं। राशि में अग्नि तत्व मौजूद होने के कारण इन्हें क्रोध अतिशीघ्र आता है। किसी भी चुनौती को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है इनमें। अपमान जल्दी भूलते नहीं हैं, मन में दबा कर रखते हैं। मौका पड़ने पर प्रतिशोध लेने से नहीं चूकते। ये भी मेष राशि के स्वभाव में पाया जाता है। इन लोगों के अंदर एक कलाकार छिपा होता है। ये लोग हर कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं। अपने आप को सर्वोपरि भी समझते हैं। अपनी मर्जी के अनुसार ही दूसरों को चलाना चाहते हैं। इससे कई दुश्मन भी बन जाते हैं इनके। एक ही कार्य को बार बार करना इस राशि के लोगों को पसंद नहीं होता। एक ही जगह ज़्यादा दिनों तक रहना भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। नेतृत्व क्षमता अधिक होती है। कम बोलना, हठी, अभिमानी, क्रोधी, प्रेम संबंधों से दुखी, बुरे कर्मों से बचने वाले, नौकरों एवं महिलाओं से प्रेम से बात करने वाले, कर्मठ, प्रतिभाशाली, यांत्रिक कार्यों में सफल होते हैं मेष राशि के लोग। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है मेष राशि के लोगों का स्वभाव कैसा होता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।